दो दिवसीय लंगर का आयोजन किया गया जिसमें दूर दूर से आए साधु महात्माओं के आगे गाँव के श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। लंगर का आयोजन बाबा सुंदरदास के अनुयायियों द्वारा किया गया जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। बताया जाता है कि लंगर का आयोजन बाबा की कुटिया के अलावा जिले के कई स्थानों पर आयोजित किया जाता है। बकरी ब्रह्मा राजद कार्यकर्ताओं की बैठक प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद नियाजुद्दीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 5 जुलाई को राजद का 25वां स्थापना दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। सभी वर्ग के कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। अनवर्षा का एक शिष्टमंडल नवोदय कर्मियों की ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर औरंगाबाद सांसद सह पार्लियामेंट्री पेटिशन के कमेटी के सदस्य सुनील कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा है। बताया गया है कि नवोदय विद्यालय समिति के समस्त कर्मचारियों को CCA पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा की सुविधा से वंचित रखा गया है, जबकि एक ही मंत्रालय के अन्य स्कूलों के कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त है। उन्होंने ओल्ड पेंशन की सुविधा बहाल करने के लिए 12 जुलाई को पार्लियामेंट में होने वाली पार्लियामेंट्री पिटीशन कमेटी की बैठक में जोरदार तरीके से सिफारिश कर इसे लागू करने का प्रयास करने का आग्रह किया है, जहां सांसद महोदय ने आश्वासन भी दिया है। दुश्मन करो नमस्कार साथियों, मैं स्नेहा पांडे। COVID-19 का अभी क्रमण समा नहीं है, इसलिए इससे बचाव का उपाय करते रहना चाहिए। हमेशा मास्क लगाइए, 2 गज दूरी रखिए, जब भी कोई चीज छुए घर परिवार सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। और एक बात नहीं भूलेंगे, बार बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे। धन्यवाद। बेलखुंडा पैक्स गोदाम के पास पैक्स अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। किसानों ने बताया कि 26 नवंबर को 176 क्विंटल धान पैक्स को दिया, जिसका भुगतान आज तक नहीं किया गया। किसानों ने पैक्स अध्यक्ष अविनाश कुमार और कोऑपरेटिव बैंक के शाखा प्रबंधक सुनील कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारी विजय कुमार यादव को सेवा समाप्ति पर विदाई दी गई। सादा समारोह आयोजित कर उन्हें फूल की माला पहनाई गई और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर एम जुबेर सहित कई अन्य उपस्थित थे। शहर और गांव की खास खबरों के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।